फिर जो रंग महोत्सव हमने बनाया है, ये इसका उद्देश्य क्या है अपना करने का, तो प्लीज़ आप सर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इस पावन प्रांगण में आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है, इसे नाम दिया है रंग महोत्सव। पिछले साल ये शुरू हुआ था हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब की सोच से। पिछली बार पहला हुआ था, इस बार दूसरा हो रहा है। और इसका उद्देश्य महज यही है कि इस ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं, नई नई कोपले आती हैं, एक जो मौसम परिवर्तित हो रहा है उसमें जो नयापन है, जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि रूप निखारना, तो प्रकृति का रूप निखर जाता है इस ऋतु में। और उसके बाद जो नए नए पौधे, नए नए फूल, नए नए पत्तियाँ, नई नई कोपले आ रही हैं, तो सारी पृथ्वी का श्रृंगार हो जाता है प्रकृति द्वारा। तो ये कार्यक्रम महज इसीलिए हम कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें हमारे यहाँ क्या क्या होता था और अब वो क्यों नहीं हो रहा है। ये जो कंपैरिजन है, अगर हम आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताएंगे तो ये चीज़ें यहीं लुप्त होकर रह जाएंगी। अब जैसे ये हमारे माननीय राघवेंद्र मलिक जी ने ये कलेक्शन की है, इसमें 250 साल पुराने औजार हैं कृषि के, वो भी हैं इनके पास, कपड़े हैं, रोज़ घर के काम आने वाले औजार हैं, खेती के औजार हैं, लड़ाई के अस्त्र शस्त्र भी जो राजा महाराजा उस समय इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि मुझे लगता है कि हम आखिरी पीढ़ी हैं जिनको इनके बारे में ज्ञान है। हमारे बाद जो नई पीढ़ी है, मैं तो बल्कि बेटा ये कहूँगा कि आपकी पीढ़ी को भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, एक दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है इससे जुड़ी है, वो ये है कि हम कितने सक्षम थे। समाज में भाईचारा था, लोहे का काम करने वाला लोहार जिसको हम कहते थे, लकड़ी का काम करने वाले को खाती कहते थे, चमड़े का काम करने वाले को चमार कहते थे, तो वो सारे मिलके एक दूसरे की सहायता करते थे। हमें बाहर नहीं भागना पड़ता था, हमें किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता था। और उसी तरह किसान के जब फसल आती थी तो उन सबको बराबर का दिया करते थे। लोहार को भी वो अनाज दे के आएगा, खाती को भी दे के आएगा, अपने जो नाई हैं गांव के उनको भी दे के आता था। तो एक भाईचारा था, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आधुनिक युग में जो आपाधापी का युग है, इसमें वो सारा समाज खंडित होता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को संग्रहित करके और आने वाली पीढ़ियों को बताएं। तो सर, इसीलिए आपने भाईचारे को इन खूबसूरत रंगों के साथ, हाँ हाँ, यही प्रयास है जो हमने कार्यक्रम किया, तो इसका उद्देश्य भी बिल्कुल यही प्रयास, इन सारी धरोहर के साथ ये जो भाईचारा, प्रेम, स्नेह हम सब का बना रहे। जी जी, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की है, तो शुरुआत ही यहीं से हुई है। दूसरा कार्यक्रम है? नहीं, यहाँ तो दूसरा का मतलब तो इसलिए है कि पिछले साल हुआ था और यहीं हुआ था। तो और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी? ना, हम हर साल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है कार्यक्रम, वन विभाग वाले करवाते थे, स्टेट लेवल का नहीं? हाँ, लेकिन इस बार वो कोरोना के डर से वो भी नहीं करवा रहे हैं। जी, तो ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी बात है, बहुत, अरे बहुत बड़ी बात है। कम से कम एक जो ये भयानक सा डर लोगों के दिमाग में बिठा दिया है, किसने बिठाया ये तो सबको पता है, क्यों बिठाया ये भी सबको पता है। हाँ, लेकिन उससे उभारने के लिए और यूनिवर्सिटी में इतना बढ़िया माहौल बनाने के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत अच्छी पहल करी है। हाँ बिल्कुल, ओके।